हेलो भाई, मैं मोहित हूँ। आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर अपना आज बात करेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के बारे में, जो कि आपको देख के पता लग गया होगा कि कौन सी कार है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये स्कॉर्पियो क्लासिक है, S11 नहीं है, ये स्कॉर्पियो पुरानी वाली जनरेशन वाली, जो कि आपको देख के पता लग रहा होगा, जैसा कि आप इसके अलॉय वगैरह में देख सकते हो। बाकी आप इसके अंदर बात करें फ्रंट के अंदर, तो ये अपने पूरी गाड़ी कन्वर्ट करा रखी है पूरी स्कॉर्पियो S11 के अंदर। बाकी ये है पुरानी वाली अपने M-Hawk वाली इंजन वाली, और ये इसके आप देख सकते हो S11 वाली पूरी किट लगा रखी है पूरी साइड से फ्रंट से, और काफ़ी टाइम हो गया इसको लगाए हुए। ये हमने कराई थी जो बीकानेर से चेंज कराई थी, बाकी थोड़ी बहुत गाड़ी लग चुकी है आगे पीछे से, तो इसके सामान वगैरह थोड़े ख़राब हो रखे हैं। बाकी आप अलॉय से पता लगा सकते हो कि पुरानी वाली कार रहने वाली। बाकी आपको मेन जो डिफरेंस है वो पता लगेगा अंदर जाके, साइड से आप देख लो पूरी एकदम सेम पूरी वही रहने वाली है। बस इसके अंदर अपने को जो S11 के अंदर यहाँ पे जो अपने को इंडिकेटर वगैरह मिलते थे, वो इसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिलने वाले। एंड बात करें साइड से भी कुछ अपने वैसे कुछ को देखने को मिलने वाली है। ये इसके अंदर कॉल के हैंडल वगैरह लगा रखे हैं सारे पूरे, और ये वायरिंग वगैरह हो गए इसके पूरे। अब आप देख सकते हो जो इसका मेटल वगैरह है, जो लोहा वगैरह है पूरा, यहाँ से आप जंग खा चुका है पूरा, और ये आप देख सकते हो इधर से, और नीचे भी आपको पता लग रहा होगा देख के एकदम जंग टाइप लग रहा है, पुरानी हो रखी है काफ़ी। 2014 में वेरियंट रहने वाला अपने को, और यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर से, तो डोर हैंडल अपने कुछ ऐसे रहने वाले हैं इसका। एंड ये अपने कुछ ऐसी इसके हो गई पुरानी है, तो काफ़ी इसके अंदर स्क्रैच वगैरह लग रखे हैं। बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर अगर अपने इसके बात करें, तो इसके अंदर अपने को कैप्टन टाइप सीट मिलने वाली है, जो कि अपने को नॉर्मली आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, और इस बात बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट अपने इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, मैनुअली इसके अंदर अपने को एडजस्ट करनी पड़ती सीट को, कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट इसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं इसके मीटर वगैरह की, तो मीटर आप देख सकते हो पुरानी वाली कार का रहने वाला है। वैसे आप देख के पता लगा सकते हो कि ये स्कॉर्पियो जो है अपने पुराने वाली रहने वाली है। एंड अब बात करें इसके तो फ्रंट की, तो अपने फ्रंट के अंदर अपने को जो मीटर वाला देख सकते हो आप, ये पूरी वही पुराना वाला मीटर है, पुरानी वाली स्टेयरिंग है, बस बार बार से इसको गाड़ी को पूरी कन्वर्ट करा रखी है, एंड बात अंदर से पूरी पुरानी वाली की तरह ही है। अब सोच रहे हैं कि अंदर से भी इसको कराने की, तो जब जैसे भी कराएंगे आपको मैं बता दूंगा। अब बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो अपने इसको टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोप अपने को अंदर बार का नहीं मिलता, खाली टिल्ट का मिलता है अपने को ऊपर नीचे का। ये इसका अपने को स्विच यहाँ पे मिल जाता है देखने को, और यहाँ पे अपने बात करें तो अपने को एसी वेंट मिल जाते हैं 4 आगे की तरफ एंड 2 पीछे की तरफ, और पीछे अपने को एसी वेंट देखने को नहीं मिलने वाले। एंड अब यहाँ पे अपने को एसी कंट्रोल्स हो गए, ये अपने को गाड़ी के एसी यहाँ पे भी कंट्रोल्स हैं, ये अपने को फ्यूल लीड खोलने का ऑटो पावर स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन इसके अंदर जब भी मिलता था अपने को देखने को, और यहाँ अपने को मिल जाता है 12 वोल्ट का आउटलेट। एंड ये अपने वाइपर वगैरह के हो गए ऑटोमेटिक कंट्रोल, एंड ये अपने फ्रंट वाले हो गए एसी के कंट्रोल। अब बात हो गई अपने पूरी यहाँ फ्रंट की, अब यहाँ पे अपने को एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और ये फ्रंट से कुछ कार कैसा लुक रहने वाला है। ये क्लासिक के अंदर आज भी ऐसा ही इसके अंदर गेट दरवाजे वगैरह आते हैं, बस खाली चेंज कराना था अपने यहाँ पे। माइक की बात करें तो माइक इसको अंदर अपने को देखने को यहाँ मिल जाता है, सनग्लास होल्डर वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलते पहले की, और यहाँ अपने को लाइट वगैरह इसकी मिल जाती है, एंड एक लाइट अपने को मिल जाती है पीछे की तरफ। अब बात करें इसकी अपने फ्रंट में यहाँ की, तो यहाँ अपने को पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, डोर पर अपने कोई पावर विंडो कंट्रोल नहीं देखने को मिलेंगे, और 4 टोटल इसके अंदर कप होल्डर मिल जाते हैं, जिसके अंदर 2 बड़े हैं 2 छोटे मिल जाते हैं। ये अपने इसका हैंड ब्रेक हो गया, एंड ये रियर एसी वेंट हो गया, यहाँ पे अपने नॉर्मल स्पेस मिल जाती है, जो कि अपने यहाँ पे फोन वगैरह कुछ रख सकते हैं। तो कैप्टन सीट मिल जाती है फ्रंट के अंदर, ये इसके अंदर काफ़ी एक अच्छी फील एड करता है कार की, चलाने के अंदर भी काफ़ी नॉर्मल सी एकदम बढ़िया सी लगती है कार। एंड गियर आप देख सकते हो उसका वाइब्रेट हो रहा है पूरा खड़ी गाड़ी के अंदर। एंड हैंडल के अंदर अपने को यहाँ पे कंट्रोल वगैरह इसके अंदर टोटल मिल जाते हैं सारे। ये अपने मीडिया कंट्रोल्स हो गए, यहाँ पे शायद अपने को क्रूज के कंट्रोल मिल जाते हैं, जब भी इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल आ रहा था 2014 का वेरियंट है। कार टोटल बात करें अपने इसकी, तो ये अपने कार टोटल चल चुकी है 1,41,460 किलोमीटर, और ये इसका पूरा फ्रंट का हो गया। अपने को टॉप स्पीड तो कार के अंदर देखने को मिलने वाली है 180 मिलती है, एंड RPM इस कार का अपने को इधर की तरफ मिलता है, नॉर्मली इधर की तरफ आता है कारों में, बट इसका अपने को इधर की तरफ मिलता था। अब बात करें इसके लाइट के कंट्रोल की, लाइट अपने को इसके अंदर ऑटो नहीं मिलती, अपने को मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है, यहाँ से दिख जाता है। एंड ये अपने को वाइपर के कंट्रोल मिल गया फ्रंट एंड रियर दोनों के अंदर, अपने को दोनों वाइपर इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसका फ्रंट का लुक था कुछ, एंड फ्रंट की एक बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने रियर की, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने सनसेट वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कोई भी अपने वैनिटी मिनर मिल जाता है देखने के लिए, एंड यहाँ पे अपने कोई लाइट के कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, तो ये नॉर्मल सा अपना हो गया। अब बात करते हैं अपने पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ अगर अपन बात करें तो पीछे की अपनी जो सीट है इसके अंदर नॉर्मल वाली मिल जाती है, एंड पीछे भी वो नॉर्मल वाली सीटें मिल जाती है, जो कि नॉर्मल स्कॉर्पियो में आती है। तो ये इसका पीछे का डोर वगैरह कुछ हो गया, एंड पीछे से अपने को देखना कुछ ऐसी रहने वाली है। अब मैं पीछे चल के आपको दिखा देता हूँ एक बार कार को। पीछे वाले डोर की अपन अगर बात करें तो पीछे वाले डोर के अंदर अपने यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड फ्रंट डोर के अंदर अपने नहीं मिलते हैं, यहाँ अपने कोई मोबाइल होल्डर मिल जाता है, क्योंकि अपने नॉर्मल स्मार्टफोन इसके अंदर अपने आएंगे नहीं,
पे नॉर्मल सा कीपैड फोन इसके अंदर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे अपने को वो ट्रोल रूल मिल जाता है, ये ऊपर चढ़ने के लिए अपने साइड स्टेप मिल जाती है, साइड स्टेप के अंदर यहाँ पे लाइटिंग मिल जाती है जो कि अपने एलईडी के अंदर मिल जाती है। तो ये अपने रियर डोर का हो गया। रियर सीट अपन आपको दिखा देता हूँ, रियर सीट के अंदर अपन बात करें तो रियर के अंदर अपने वो सीट काफ़ी ऊपर मिल जाती है देखने को, एंड यहाँ से काफ़ी एडजस्टमेंट अच्छा हो जाता है। और अब बात करें अपने इसको हेड की, तो हेड अपने और अब बात करें यहाँ पे तो यहाँ अपने को रियर एसी वेंट मिल जाता है देखने को, एंड एक अपने को 12 वोल्ट का आउटलेट अपने को यहाँ मिल जाता है देखने को। तो ये एसी अपने कुछ इसकी कार की लुक रहने वाली पीछे से, एंड पीछे वाली सीट अपने काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी अंडर साइज सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है अपने को देखने को, जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, और काफ़ी हाइट के अंदर अपने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट वाली रो की, तो लास्ट वाली रो होती है इसके अंदर अपने को साइड फेसिंग सीट मिलती है, और यहाँ पे भी कुछ सामान वगैरह डर रख रखा है, तो ये कुछ ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। और कैप्टन सीट है इसके अंदर है नहीं, बाकी अपने को सेंटर के अंदर आर्म रेस्ट वगैरह कुछ इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। तो अब मैं आप पीछे चल के दिखा देता हूँ कि पीछे का क्या है। बात करते हैं कार के पीछे के लुक की, तो पीछे से अपने को कोई मिलने वाली है इसके अंदर अपने को पीछे वाला मेरे हिसाब से डोर ही एक चेंज हुआ, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ, एंड पूरी कार को वापस अगेन रीपेंट कराई थी इन्होंने, एंड ईयर के अंदर अपने को इसके अंदर वाइपर वगैरह पहले से थे कंट्रोल, बाकी इन्होंने वापस दोबारा इंस्टॉल कराए इसके अंदर, एंड इन्होंने रियर के अंदर डिफोकर वगैरह सारा कुछ लगवा रखा है। यहाँ अपने को ऊपर वाशर भी मिल जाता है देखने के लिए, और ये अपने पीछे का बम्पर वगैरह हो गया सारा, और ये हो गए इसके पीछे का लाइट वगैरह जाएगी, एंड ये इसके अलावा भी आपको पुराने वाले देखने को मिलेंगे, और ऊपर अपने को सारा कुछ मिल जाता है। कोई भी इसको बाहर से देख के बता नहीं सकता कि ये ऐसी लेवल है या पुराने वाली है मोक वाली है, मेन जो पता लगेगा उसके अलावा से पता लगेगा। ये भी शायद चेंज होने वाले हैं, आपको जल्दी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूँ। तो ये इसका अपने पीछे से कुछ ऐसा था, बाकी पीछे के बाद मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको, पीछे का डोर खोलोगे तो यहाँ अपने को दो स्पीकर मिल जाते हैं, और दो अपने को ड्राइवर वाले आगे वाले डोर से मिलते हैं, बाकी बीच वाले डोर कोई स्पीकर नहीं मिलने वाले, और ये पीछे से अपने को इतनी सारी स्पेस मिल जाती है। बाकी ये था इस गाड़ी का पूरा टोटल रिव्यू, कैसा लगा आपको वीडियो आप बता देना, अच्छा लगा हो तो। और ये रही अपने रियर के अंदर, तो रियर की बात करें तो अपने रियर के अंदर टोटल 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं इस कार के अंदर, और बाकी तो कुछ बचा नहीं, मैंने इसके अंदर टोटल कवर कर दिया अंदर। यहाँ पे इन्होंने टोटल एसी 11 की पूरी बैजिंग वगैरह लगा के पूरी एसी 11 बना रखी है, कोई देख के बता नहीं सकता कि ये एम ओ का या एसी 11 है। तो ये था अपनी गाड़ी का रिव्यू, कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि कौन सी गाड़ी का बनाऊँ, और इसके बारे में कुछ बताना हो तो बता देना। गाड़ी भी रिव्यू खड़ी है, आवाज़ सुनकर आप पता लगा सकते हो, बाकी काफ़ी साइड है, गाड़ी काफ़ी टाइम से रखी हुई है, ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा।